अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। फहीम मलिक आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर। और सुबह सुबह का वक्त है, 7:30 हुए हैं और आज हम मौजूद हैं भिरिया रोड रेलवे स्टेशन पे, इंटीरियर सिंध का एक और मशहूर शहर और रेलवे स्टेशन। और बेसिकली N5 से थोड़े डिस्टेंस पे हैं ये वाले शहर। तो भिरिया शहर जो है वो एक्चुअली N5 के ऊपर मौजूद है, जबकि भिरिया रोड जो है वो रेलवे लाइन के साथ मौजूद है। तो आज कुछ वक्त हम यहाँ पे गुजारेंगे, यहाँ की ट्रेन दिखाएंगे और इसके अलावा यहाँ का जो रेलवे स्टेशन है भिरिया रोड का वो भी आपको दिखाएंगे। तो सुबह के 7:30 हुए हैं दोस्तों और आज 16 अक्टूबर है। मौसम बहुत ज़बरदस्त है, आसमान पर बादल आए हुए हैं और ठंडी ठंडी हवा जो है वो चल रही है। तो दोस्तों अभी हम मौजूद हैं भिरिया रोड रेलवे स्टेशन पे और पहली गाड़ी इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे 36 टाउन सर सैयद एक्सप्रेस। तो ये प्लेटफार्म नंबर 1, उसके बाद आगे प्लेटफार्म नंबर 2 और उसके साथ ही प्लेटफार्म नंबर 3, जबकि ये साइड है डाउन साइड की, और डाउन साइड यानी कि कराची की तरफ। और अगर इस साइड की बात करें तो ये है अप साइड, आगे रोड़ी जंक्शन और फिर इसी तरह ही लाहौर, रावलपिंडी और पेशावर। तो प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर काफ़ी ज़्यादा दरख्त वगैरह जो हैं वो लगाए हुए हैं आप देखें, पर सफाई सुथराई का इंतज़ाम नज़र आ नहीं रहा कहीं पे। बहुत ज़्यादा यहाँ पे कचरा जो है फैला हुआ है। और अगर यार्ड की बात करें तो यार्ड में आपकी लूप लाइन, उसके बाद आप मेन लाइन सेंटर में और सबसे आगे प्लेटफॉर्म के साथ डाउन की मेन लाइन, और डाउन की लूप जो है वो प्लेटफॉर्म नंबर 3 की तरफ। तो दोस्तों ओवरऑल जो है वो भिरिया रोड का रेलवे स्टेशन बहुत ज़्यादा बड़ा स्टेशन नहीं है। जैसा कि आपने पटीदन स्टेशन देखा था, वो एक बड़ा बिग स्टेशन आप उसको कह सकते हैं आज भी। तो दोस्तों पहली ट्रेन 36 डाउन सर सैयद एक्सप्रेस सुबह के 8 बजे हैं और तकरीबन 1.25 घंटा लेट चल रही है। और आप देखें बच्चे बिल्कुल करीब प्लेटफॉर्म के सामने ट्रेन आ चुकी है। HGM 30 लीड कर रहा है जी इसको। तो सामने मरकजी इमारत भिरिया रोड रेलवे स्टेशन की मेन लाइन 1 और किलोमीटर नंबर है 370.5। और ये फासला, जैसा कि आप जानते हैं मैं अपनी हर वीडियो में बताता हूँ, ये फासला काउंट होता है कराची किमाड़ी पोर्ट से, जहाँ से रेलवे लाइन मेन लाइन 1 का आगाज़ होता है। तो प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे हम मौजूद हैं इस वक्त। सामने आप देखें एक छोटा सा शेड लगा हुआ है प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे, जबकि प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे भी उसी किस्म का एक शेड जो है वो लगाया गया है। बेंचेस रखे गए हैं यहाँ पे लकड़ी के, और पुराने NWR वाले बेंचेस हैं, बल्कि ये सॉरी PR वाले बेंचेस हैं यहाँ पे पड़े हुए देखें। और ये जो ट्रॉली है ये पुरानी वाली है। स्कूल के बच्चे जा रहे हैं जी, पर ये यार्ड क्रॉस करके जाते हैं। बेटे आप पुल से क्यों नहीं जाते, उधर से पुल पे से जाया करो ना, ऊपर से क्यों नहीं जाते, ऊपर से क्यों नहीं जाते। ये कैमरा है, पर आप मुझे बताओ ना, आपके टीचर ने आपको कभी बताया कि रेलवे लाइन क्रॉस नहीं करते, बताया है? फिर क्यों जाते हो उधर से, देखो छोटे बच्चे भी जा रहे हैं, ख़तरनाक होता है ना बेटे, इधर ऊपर से जाया करो, वो पुल बना हुआ है इसीलिए। देखें जी छोटे बच्चे हैं और बगैर देखे ये लोग जो है रेलवे लाइन पास कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, कहाँ जा रहे हो बच्चों? स्कूल जा रहे हैं। कितने बजे लगता है स्कूल? 8 बजे। तो 8 तो बज गए, क्या खा रही हो आप? अच्छा एक चीज़ आपको बताऊं, ये जो आप यहाँ से लाइन क्रॉस करके आती हो ना, यहाँ से ना आया करो, ये खतरनाक होता है ना, गाड़ी ट्रेन आ रही होती है इसलिए।
अकेली जाती हो आप, उस पुल से जाया करो ना, वो देखो बेटे पुल बना हुआ है, वो देख रही हो ना ऊपर, उससे जाया करो, ठीक है ना। आप सब भी, बाकी भी, आपको टीचर ने कभी नहीं बताया कि रेलवे लाइन ऐसे नहीं क्रॉस करनी? बताया है। फिर क्यों करते हो आप लोग? अम्मी ने नहीं बताया? बताया। आइंदा से नहीं करनी बेटे, ख़तरनाक होता है ये, ठीक है ना। अभी मैंने देखा ट्रेन आ रही थी तो आप जल्दी से आ गई, आपकी ये छोटी बहन पीछे खड़ी रही वहाँ पे, ठीक है। हाँ, अब नहीं करना, ठीक है ना। वो पुल बना हुआ ना देखो, उस पर से सैर करते हुए जाया करो आराम आराम से, ठीक है। चलो अब स्कूल जाओ जल्दी से, बाय बाय। नहीं दोस्तों, थोड़ा सा आपको घुमाते हैं भिरिया रोड रेलवे स्टेशन। सबसे अच्छा जो यहाँ पे काम हुआ हुआ है वो ये परिंदों के लिए, यहाँ पे आप देखें ये मिट्टी की जो बड़ी बड़ी प्लेट्स हैं वो हैंग की हुई हैं, और इसके इसी तरह ही जो ये शेड हैं इसके अंदर भी ये हैंग हुई हैं, वो भी मैं आपको वापसी पर दिखाता हूँ। तो दोस्तों आप देखें कि फ्रेट बर्थ गोडाउन जो बनाया गया था यहाँ पर, क्योंकि ये ज़रखेज़ इलाके हैं, ज़रई इलाके हैं, तो जब रेलवे लाइन यहाँ पे बिछाई गई तो यहाँ से माल इकट्ठा करने के लिए, अजनास इकट्ठी करने के लिए जगह जगह स्टेशन पे ये फ्रेट बर्थ जो हैं वो बनाई गई। रेलवे लाइन के आसार आज भी मौजूद हैं पर अबेंडेंड, और अफसोस यही होता है कि एक बना बनाया सिस्टम जो है उसको हम आगे चला नहीं सके और उस पर तवज्जो नहीं रखी। अगर यही तवज्जो इस पर दी जाती तो रेल जो है आज अपने पाँव पर खड़ी होती पाकिस्तान में, क्योंकि फ्रेट है तो रेल है और फ्रेट के ज़रिए ही अर्निंग होती है जैसा कि आप जानते हैं। पर आजकल पाकिस्तान की मोर देन 90% जो है वो फ्रेट, आप कह सकते हैं कि अंदाजे के मुताबिक, वो रोड के ज़रिए ही हो रही है। तो पेडिस्ट्रियन ब्रिज दोस्तों मौजूद है और इसको इस्तेमाल करने की आदत जो है वो भी हमें डालनी है, और अपनी और अपने बच्चों की ज़िंदगी जो है उसको महफूज करना है। तो कोशिश करें कि बच्चों को घर में बताएँ कि रेलवे लाइन जो है आप शॉर्टकट का रास्ता इस्तेमाल ना करें बल्कि इस पुल से जाएं ऊपर से और सेफ रहें। तो अभी मैं आपको लेके आया हूँ डाउन साइड पे, बहुत ही खूबसूरत यहाँ पे आप देखें हर किस्म की जो दरख्त हैं मौजूद हैं, नीम भी है, नीम बहुत अच्छा लग रहा है जी, मौसम भी अच्छा है और उसके साथ साथ ये दरख्त भी अच्छे लग रहे हैं। तो नेक्स्ट ट्रेन इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे 16 डाउन कराची एक्सप्रेस, लाहौर से रवाना हुई हुई है कराची कैंट के लिए, और इस वक्त गुजर रही है मैरापुर रेलवे स्टेशन से। टाइम है तकरीबन अभी 8:15। लें जी, इनकी कमी थी, बच्चे तो पार करते ही हैं पर आप देखें ये पूरी रेडी जो है ये लोग लेके जा रहे हैं यहाँ से। दोस्तों सुबह के 8:55 हुए हैं और 2.25 घंटे लेट हो चुकी है 16 डाउन कराची एक्सप्रेस। ZQ30 इसको लीड कर रहा है, उसकी चकिंग की आवाज़ सुनाई दे रही है और तकरीबन 90 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से आ रही है लाहौर से कराची के लिए। दोस्तों अगर सिंध सेक्शन के हवाले से, स्पेशली सखर डिवीजन के हवाले से बात की जाए तो यहाँ पे ट्रेन्स की रफ़्तार काफ़ी कम रहती है क्योंकि ट्रैक की हालत बहुत ही जो है वो बुरी, और तकरीबन 90 किलोमीटर फी घंटे की रफ़्तार से गुजर गई, और अगर इसको बेहतर रफ़्तार कहा जाए सिंध के अंदर तो गलत नहीं होगा। तो दोस्तों आज के इस सफ़र में मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे भाई जिनका ताल्लुक सिंध से पटीदन से, और आप इससे पहले जो पटीदन वाली वीडियोस में देख चुके हैं
जाहिद हुसैन सुमरो साहब जो कि एक्स रेलवे ऑफिशियल SM रिटायर्ड फ्रॉम पटीदन रेलवे स्टेशन और आजकल ये कर रहे हैं अपना एक YouTube चैनल जिसका नाम है दुनिया हज़ार रंग। तो प्लीज़ इनके चैनल को फॉलो करें, लिंक मैं दे रहा हूँ। और ये जो सिंध के छोटे छोटे इलाके हैं वहाँ पे जाते हैं जहाँ तक हमारी अप्रोच नहीं है और वहाँ जाके ये रेल को एक्सप्लोर करते हैं और दीगर मामलात भी ये देखते हैं। तो इनको लाजमी आप फॉलो करें। तो आज हम इकट्ठे आए हुए हैं, सुबह सुबह निकले हैं हम पटीदन से और पहुँचे हैं यहाँ पे जाहिद भाई के साथ। तो सुबह का सफ़र भी बड़ा ज़बरदस्त था जी, हम वो चांद गाड़ी पे बैठे हैं। हमारा प्लान था कि हम आए 145 अप पे, पर 145 अप सखर एक्सप्रेस जो है वो 5 घंटे लेट थी। तो जब सुबह हम उठे 5 बजे तो जाहिद भाई ने मुझे बताया कि वो तो अभी घूम रही है वहाँ पे लांडी के पास। तो फिर हमने प्लान किया कि इसको अरेंज किया जाए ऑटो को और फिर उस पर हम बैठ के यहाँ तक आए। तो बड़ा ज़बरदस्त रहा जी, रास्ता बहुत सीनिक था और नहर है साथ साथ, फीडर लाइन का एक जो है टुकड़ा जो कि क्रॉस कर रहा है उस नहर को, वो भी आपको मैंने दिखाया रास्ते में। और उसके बाद हम यहाँ मौजूद हैं। आप देख रहे हैं भिरिया रोड रेलवे स्टेशन की डाउन की लूप लाइन, इस पर अक्सर माल गाड़ियाँ आके रुकती हैं, रास्ता देती हैं। सामने एक पानी का हौज बना हुआ है, पौंड है, वो भी आपको दिखाते हैं। और उसके बाद फिर बढ़ते हैं हम थोड़ा सा और आगे स्टेशन की तरफ। तो दोस्तों ये वाली जो रेलवे लाइन आप देख रहे हैं ये वो रेलवे लाइन है जो जा रही है आगे फ्रेट बर्थ की तरफ, जो कि अबेंडेंड हो चुकी है। तो दोस्तों सीन ये है कि 9:07 हुए हैं और कराची एक्सप्रेस गुजरे हुए आप समझ लें 7 मिनट ही हुए हैं और पीछे पीछे पहुंच गई है 6 डाउन ग्रीन लाइन, जो कि 48 मिनट डिले के साथ चल रही है। इसको रुकना पड़ेगा क्योंकि सिग्नल जो है वो रेड है और जब तक सेक्शन क्लियर नहीं होगा तो ट्रेन यहाँ पर रुकी रहेगी। GV40 लीड कर रहा है जी ग्रीन लाइन को, मारगला से निकली है कराची के लिए, 9029 है। ले जी ग्रीन, अभी ग्रीन हुए हैं, अब नॉच अप कर देंगे ड्राइवर साहब। नॉच अप कर दी है जी गाड़ी। थोड़ा सा गैप बन जाता तो आपको अच्छा एक्शन देखने को मिलता है भिरिया रोड रेलवे स्टेशन पे, पर आपको पता है सब मामला जो हैं वो रेल फैन के इख्तियार में होते नहीं। दोस्तों अभी पैसेंजर जो हैं वो आने शुरू हो गए हैं भिरिया रोड रेलवे स्टेशन पे, 9:15 हुए हैं सुबह के। आपको स्टॉपेज वाली ट्रेन मैं बता देता हूँ, भिरिया रोड पर फरीद एक्सप्रेस रुकती है यहाँ पर, इसके अलावा मिल्लत एक्सप्रेस का स्टॉप है, उसके बाद रहमान बाबा एक्सप्रेस का स्टॉप है और फिर अवाम एक्सप्रेस का स्टॉप है और हज़ारा एक्सप्रेस और उसके बाद सखर एक्सप्रेस। तो ये 6 ट्रेन हैं जो यहाँ पे रुकती हैं और कुल मिला के 12 अप डाउन के साथ। तो दोस्तों नेक्स्ट ट्रेन जो आएगी वो होगी 18 डाउन मिल्लत एक्सप्रेस, उसका स्टॉप है यहाँ पे और उसका अराइवल दिखाएंगे और डिपार्चर। और मिल्लत एक्सप्रेस से तकरीबन 4.25 घंटे डिले से चल रही है। नहीं दोस्तों नाश्ता करते हैं, गरम गरम चाय पीते हैं। और सुमरो साहब आप भी पिए चाय, आपकी मौजूद है। बेसिकली जाहिद साहब के यहाँ पे रेल फैन दोस्त हैं और उनसे हमारी आज पहली मुलाकात होगी, खलीकुर रहमान तो स्कूल टीचर हैं, उनका इंट्रोडक्शन भी आपको कराएंगे। तो वो हमारे लिए स्पेशली ये लेके आए हैं चाय और नाश्ता बना के।
तो क्योंकि टाइम थोड़ा है ट्रेन्स के अंदर, तो फिर कोशिश यही है कि हम यहीं पे नाश्ता करें ताकि ट्रेन कोई मिस ना हो। दोस्तों स्टफ्ड पराठा लेके आए हैं खलीक साहब, और आई थिंक आलू वाले पराठे हैं ये, बड़े ज़बरदस्त घर के बने हुए। बहुत बहुत शुक्रिया भाई, वैसे ज़रूरत नहीं थी, हम तो बस चल फिर के ही करते हैं सुबह सुबह नाश्ता। इसके अलावा बॉयल्ड एग भी मौजूद हैं, पानी है और चाय। तो सुमरो साहब आगाज़ करें जी नाश्ते का। लें जी, इंटीमेशन बेल जो है वो बज चुकी है, और जो कि ऐलान है कि डाउन साइड की गाड़ी आ रही है, टाइम आप देख लें 9:24, तो इसको कवर करते हैं आगे डाउन साइड से जाके लोको के पास से। नहीं दोस्तों, 9:27 पे अप्रोच कर रही है 18 डाउन मिलत एक्सप्रेस, स्टॉप करेगी फिरिया रोड पे, 2 मिनट का स्टॉप है। लाला मूसा से रवाना हुई है कराची के लिए, और HGMU 30 लीड कर रहा है इसको 8212। सबसे पहले नेक्स्ट टू इंजन जो है लगेज वैन, उसके बाद पावर वैन, और फिर एसी बिजनेस क्लास की कोच। और उसके पीछे जो हैं इकोनॉमी क्लास की कोचेस। काफ़ी पैसेंजर मौजूद हैं जी भिरिया रोड रेलवे स्टेशन पर सवार होने के लिए, कुछ लोग उतरे भी हैं ट्रेन से। स्टॉप करने के बाद ट्रेन रवाना हो रही है फिरिया रोड रेलवे स्टेशन से। बिस्मिल्लाहिर्रहमान। तो दोस्तों ये नाश्ता तैयार सामने पड़ा हुआ है, खलीक भाई की मेहरबानी। उबले हुए अंडे हैं, आलू के पराठे। कैसा टेस्ट है फहीम भाई? माशाल्लाह जी बेहतरीन, घर के बने हुए। आ जाएं आप भी? बिल्कुल जरा, बिल्कुल छोड़ेंगे नहीं, और पूरा पूरा इंसाफ करेंगे।
तो दोस्तों हमारे साथ मौजूद हैं भिरिया रोड रेलवे स्टेशन के रेल फैन खलीकुर रहमान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। कैसे हो खलीक? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप सुनाएं, खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अल्लाह का शुक्र है। और आपका शहर का मौसम और ज़बरदस्त है, उससे और राहत मिल रही है। बस भाई मेहमानों के आने से होती है, आप आए हैं, इससे पहले तो रोज धूप थी, आज आप आए हैं तो शायद आपकी बरकत है। नहीं तो ऊपर वाले के हाथ में है, ऊपर वाले के हाथ में है, लेकिन कुछ लोग उनके ऊपर खास रहम भी होता है। इतनी किस्मत हमारी अच्छी नहीं है वैसे, पर ये है कि मोहब्बत है आपकी, आप आए हो यार सुबह सुबह। तो दोस्तों खलीकुर रहमान प्राइमरी स्कूल टीचर हैं, इसके अलावा अपना बिजनेस भी इनका है एक, अपने दीगर जो हैं भाइयों के साथ, और रेल फैन भी हैं। तो स्टेशन आपका छोटा सा है, इतना बड़ा है नहीं क्योंकि शहर भी छोटा है ये, तो ट्रेन आप यहाँ से गुजरती हैं, तो कौन सी ट्रेन आपको पसंद है ज़्यादा? हमें दिन के अंदर तो जो है वो सुबह को मिल्लत एक्सप्रेस अगर टाइम पे आ जाए तो उसका टाइम बड़ा बेहतरीन है, इसलिए कि वो एक ऐसे टाइम पे आती है जब सूरज एक तरफ से उभर रहा होता है, तो अगर वो अपने टाइम पर आए तो बेहतरीन वो टाइम है। बाकी ये है कि ट्रैवल करने के लिए हम यहाँ पर प्रेफर करते हैं हमारी नाइट कोच है बिरिया रोड की, सखर एक्सप्रेस। तो खलीक आपकी जो नाइट कोच है सखर एक्सप्रेस, वो तो अभी तक नहीं पहुँची, वो आज डे कोच बन गई है ख़ासतौर पर 145। अब वैसे ये है कि आमतौर पर वो कराची से रात को निकलती है 11 बजे, और अगर हमने अपना सुबह पहुँच कर कोई अपना डे स्टार्ट करना हो, कोई वर्क में जाना हो, शॉप वगैरह पे, बिजनेस पे, तो वो बेहतरीन ट्रेन है, सुबह हमें फजर के बाद आराम से पहुंचा देती है। और यहाँ से जाना हो तब भी अगर कराची में कोई ऐसा काम है जो सुबह के टाइम है, तो रात को मिडनाइट में यहाँ पे आती है और सुबह को कराची पहुंचा देती है। ट्रैवल के लिहाज से बेहतरीन ट्रेन है। सही। अच्छा, आज मैं जब सुबह यहाँ पे आया तो मैंने स्कूल के बच्चे बहुत से देखे जो यार्ड को क्रॉस करके गुजर रहे थे, तो कुछ बच्चों को मैंने समझाया भी। आप स्कूल में पढ़ाते हैं माशाल्लाह, तो बच्चों को बताते हैं या बताया करें कि जो ये तरीका है यार्ड क्रॉस करने का, ये दुरुस्त नहीं है? हाँ जी बिल्कुल, सिलेबस में भी शामिल है ट्रैफिक रूल, सेफ्टी रूल्स, बच्चों को सिखाया भी जाता है, बल्कि प्रैक्टिकली उनको ये करवाया भी जाता है। जैसे रेड लाइट का एक बाकायदा सिलेबस मौजूद है, जो ट्रैफिक लाइट्स होती हैं या क्रॉसिंग वगैरह के जो उसूल हैं वो सिखाए जाते हैं बच्चों को, उनको ये चीज़ें अजबर भी करवाई जाती हैं। लेकिन ये है कि बच्चे हैं वो, पर उसमें उन्हें उस टाइम पर एट द स्पॉट जो है ना, वो एक अलग क्रेविंग होती है कि वो किसी तरह उसको इसी तरह क्रॉस करें, शॉर्टकट के आदि बन जाते हैं। ये इनकी लाइलमी भी है, बच्चों का एक कमसनी की उम्र भी है, और ये है कि मजीद इस पर बेहतरी लाने की ज़रूरत है। पर क्या सिलेबस में जो आप रेड लाइट्स की बात करें, वो तो रोड की लाइट्स दिखाई जाती है ना, तो क्या ट्रैक का भी बताया जाता है कि ट्रैक रेलवे ट्रैक? फिर कॉन्टेक्स्ट देकर ट्रैफिक की जब बात करते हैं तो फिर साथ रेल भी आ जाती है, क्योंकि जिन इलाकों में रेल होती है तो वहाँ पर ये कॉमन चीज़ एक शामिल हो जाती है सिलेबस के अंदर, कि वो बच्चों को सिखाई जाती है, हालदो कि वो सिलेबस में बेशक शामिल हो के ना हो। सही है। तो वैसे आपकी मोस्ट फेवरेट ट्रेन कौन सी है यहाँ स्टॉप के हवाले से? कोई भी एक होती है कि बस ये ट्रेन बहुत अच्छी है। मोस्ट फेवरेट वैसे 35 और 36 है। उसकी क्या रीज़न? बस उसका एक दो दफ़ा उसका सफ़र किया है, मेरा अच्छा एक्सपीरियंस गुजरा है उसके साथ, तो इसलिए। बाकी ट्रेन में भी तकरीबन तमाम में सफ़र किया है, लेकिन सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस अच्छा जो गुजरा है 35 और 36 का गुजरा है। सही है। तो खलीक बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया, और स्पेशली जो पराठे आप बनवा के लाए और बॉइल्ड एग्स, तो बड़ा मज़ा आया। ये सर हमारी खुशकिस्मती है कि आप हमारे पास आए, मेरी ख्वाहिश थी काफ़ी टाइम से आप हमारे पास आएँ बिरिया रोड, आपकी भी ये मोहब्बत है, आपकी मेहरबानी है, आप यहाँ पर किसी बहाने से तशरीफ लाए और हमारी बहाना हमारा रेल ही होती है। बहुत बहुत शुक्रिया, रेल फैंस आपस में इसी तरह जुड़ते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया खलीक, थैंक यू। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू।
दोस्तों ये थी रिलीफ ट्रेन जो कि होपफुली पटीदान रेलवे स्टेशन जा रही है, क्योंकि वहाँ पे कुछ दिनों से डेड पावर 6013 AG30 खड़ी हुई है मेन लाइन अप पे, उसको ये होपफुली लिफ्ट करेंगे जाके। और GMU 154806 जो है लीड करके लेके गया बड़े ज़बरदस्त तरीके से। लें जी एक और एक्शन देखें, थ्रू की ट्रेन है और कॉल ऊपर लग रहे हैं, फ्रेट एक्शन देख रहे हैं ऊपर नीचे आप हिरिया रोड पर। दोस्तों भिरिया रोड की आखिरी ट्रेन हमारे इस वीलॉग की वो है 48 डाउन रहमान बाबा एक्सप्रेस, और इसी पे मैं आगे चला जाऊंगा हैदराबाद जंक्शन तक। तो अराइवल दिखाएंगे आपको रहमान बाबा एक्सप्रेस का। और एक चीज़ और बता दूं कि इसके बहुत ज़्यादा स्टॉपेजेस जो हैं दिए गए थे सैलाब के अंदर, स्पेशली लाखा रोड से ले कर नवाबशाह तक बहुत ज़्यादा स्टॉप्स हैं जो कि अवाम एक्सप्रेस बंद होने की वजह से दिए गए थे, उनको अब ख़त्म करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये एक फ़ास्ट एक्सप्रेस ट्रेन थी जो अब जो है पैसेंजर ट्रेन के तौर पे चल रही है। तो इंशाल्लाह जल्दी मिलेंगे एक और नई वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। ओके ब्रदर, अल्लाह हाफिज। बहुत शुक्रिया सर। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? किसान नाम साइट्स एंड साउंड्स।